हेलो स्टूडेंट्स, मेरे साथ है राजेंद्र वर्मा सर और हम स्टार्ट नमस्ते। कर रहे हैं एन कंटेनिंग कंपाउंड। सर विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मोस्ट वॉलेटाइल, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक वाष्पशील होगा बेटा? इसके लिए अपने को चेक करना है दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन कैसा है। अट्रैक्शन मिनिमम होगा तो वो मोस्ट वॉलेटाइल कंपाउंड हो जाएगा। मिनिमम अट्रैक्शन को चेक करें तो यहां पर आपको मिल रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल है। आप यहां देखें तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और आप अगर यहां पर चेक कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है यहां पर पोलर मॉलिक्यूल नहीं है, वीक वांडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। दो मॉलिक्यूल में वीक वांडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड कैसा होगा, मोस्ट वोलेटाइल होगा। एम आई राइट सर? तो अपना आंसर क्या जाएगा सर? सेकंड आंसर सर कहना चाहते हैं कि जैसे बॉइलिंग पॉइंट है वो वोलेटाइल नेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वोलेटाइल नेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यही सर कहना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिसमें मतलब अब बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा इंटरमोलिक अट्रैक्शन फोर्स पर। बिल्कुल बिल्कुल। और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स जिसमें वीक होगा वो ज्यादा वोलेटाइल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। राइट, तो हमारा सेकेंड आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट सेकेंड सर, एरेनियम आयन नॉट इन्वॉल्व्ड द ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन इज? एनिलीन के ब्रोमिनन में भाग लेने वाला एरेनियम आयन कौन सा नहीं है? तो अपने को बेटा ये अच्छी तरह से पता है कि ये एनिलीन है। इस एनिलीन में NH2 ग्रुप कैसा होता है बेटा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। Am I right, sir? Right. ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप यहां पर यूज करें तो आप यहां देखिए, यहां पर ब्रोमीन ऑर्थो पोजीशन पर प्रेजेंट है। Right. यहां पर ब्रोमीन ऑर्थो पोजीशन पर प्रेजेंट है। Right. यहां पर ब्रोमीन पैरा पोजीशन पर प्रेजेंट है। Right. और यहां पर ब्रोमीन मेटा पोजीशन पर है। तो आपका क्वेश्चन है एरेनियम आयन नॉट इन्वॉल्व इन द ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन, तो आंसर आपका क्या जाएगा, फोर्थ। राइट सर? भी कहना चाहते हैं सर कि भी पोजीशन जो अटैकिंग है ना वो ऑर्थो और पैरा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेटा पोजीशन नॉट अटैकिंग पोजीशन। बिल्कुल। और फिर अटैक करने के बाद में आपके पास इंटरमीडिएट एरेनियम आयन और कार्बोकैटायन बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हमारा आंसर हो गया फोर्थ। फोर्थ। नेक्स्ट सर। जी सर। निम्नलिखित परिवर्तन के लिए सही अभिकर्मक का चयन कीजिए, चूज द करेक्ट रीजेंट। अपने को करेक्ट रीजेंट पूछा है। बिल्कुल। तो मतलब हमारे पास NO2 ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, NH2 भी है, और इधर हमारे पास है 1-2-3 पोजीशन कंटीन्यूअस पोजीशन ब्रोमीन आ रहा है। बिल्कुल। यानी इसको हम बोले 3-4 ट्राई ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। बिल्कुल। तो ये कन्वर्जन का कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो इसका मतलब हमारे को सर NH2 ग्रुप यहां से रिप्लेस करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। तो NH2 रिप्लेस करने के लिए हम यहां यूज करेंगे जैसे पोलर रीजेंट यूज कर सकते हैं। ब्रोमीन को हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में लेंगे तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, बहुत हाई होगी। तो ऑर्थो मतलब ऑर्थो डे सारी पोजीशन इफेक्ट हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो यहां पर हमारे पास ये रीजेंट आ जाएगा जी। और उसके बाद में हमारे पास डायजोटेशन हो जाएगा जी। डायजोटेशन से N2 ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा जी। रिप्लेस होकर के तीनों पोजीशन पर ब्रोमीन आ जाएगा जी। जी। तो हमारा सर थर्ड आंसर आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। और सर आप इसके बारे में कुछ बताना चाहते हो? बेटा ये आपके पास NH2 ग्रुप है और यहाँ NO2 ग्रुप है। NH2 ग्रुप कैसा रहता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी है और एक्टिवेटिंग भी है। ये ग्रुप बेंजीन इनको एक्टिवेट करेगा। और NO2 ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है और इसके साथ क्या रहता है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप रहता है। तो मेनली रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग होगी बेटा, NH2 ग्रुप के अकॉर्डिंग होगी। और NH2 ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, पैरा पोजिशन ऑलरेडी ब्लॉक्ड है। तो आपके पास अवेलेबल पोजिशन क्या है, ओनली टू ऑर्थो पोजिशंस। तो जब आप इसमें ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो ब्रोमिनेशन इन दोनों ऑर्थो पोजीशन पर कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल सही सर। अब आपके पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। NH2 BR। जब आप इस रिएजेंट को यूज करेंगे, अब हमें क्या करना है, इस प्रोडक्ट को देखें आप ध्यान से, यहां से NH2 ग्रुप को रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के लिए इस NH2 ग्रुप का क्या कराएं हम, डाई एजोटाइजेशन कर दें। जब आप इसका डाई एजोटाइजेशन करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, N2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। डाई एजोटाइजेशन हो गया, सेकंड पार्ट आ गया इसके अंदर ही।
अब आपको क्या करना है, N2Cl को ब्रोमीन से रिप्लेस करना है। N2Cl ब्रोमीन से रिप्लेस कब होगा, जब आप इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट करेंगे। तो N2Cl के रिप्लेस करने के लिए आपके पास ये देखें एक सूटेबल रिएजेंट अवेलेबल है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, थर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक सर, नेक्स्ट सर, विच इज करेक्ट, कौन सा सही है ये पूछा था। तो इसमें क्या है, एक तो डायपोल मोमेंट का दिया हमारे पास, डायपोल मोमेंट एक दिया आर एम सी अरे का आर सी एल, तो हमारे पास क्या डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, आर सी एल का ज्यादा होगा, क्योंकि देखो डायपोल मोमेंट एक वेक्टर होता है तो उसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ डायरेक्शन होती है जी, और यहाँ हमारे पास नाइट्रोजन क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जी, तो इसकी क्या होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी, तो डायपोल मोमेंट का ये ऑर्डर गलत आ रहा है बिल्कुल। फिर दूसरा हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो डायपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो पोलर होते हैं जैसे वाटर में ज्यादा डिजोल्व होते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर क्या आएगा हमारा, इसका आएगा आरसीएन का, आरसीएन का ज्यादा आएगा, इसका मतलब ये करेक्ट ऑर्डर आ रहा है, ये करेक्ट ऑर्डर आ रहा है। इसके बाद में हमारे पास तीसरा आ रहा है आरएमसी आरसीएन वाटर सॉल्युबिलिटी, अब बॉइलिंग पॉइंट अब जैसे हम देख लिया और एक डायपोल मोमेंट देख लिया, तो वैसे हम वाटर सॉल्युबिलिटी देख लेंगे, क्योंकि वाटर क्या है एक पोलर सॉल्वेंट है, जी जी, तो पोलर पोलर में ज्यादा डिजोल्व होगा, सेम लाइक डिजोल्व बिल्कुल, तो हमारे पास है वाटर सॉल्युबिलिटी भी किसकी ज्यादा आएगी, इसकी सीएल की ज्यादा आएगी, इसका मतलब सी हमारा गलत हो गया बिल्कुल, सी गलत हो गया, बी हमारा मतलब ये तो हमारा है गलत और ये है सही सही। इसके बाद में एसीटोन और एसीटाल्डिहाइड की बात करें, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है, अब एसीटोन का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि दो सी एच थ्री ग्रुप आ गए उसमें, तो ये हमारे पास ये सी एच थ्री और ये सी एच थ्री ग्रुप जी। अब एल्डिहाइड एसीटाल्डिहाइड की बात करें, तो सी एच थ्री और डबल बॉन्ड एच जी, तो यहाँ हमारे पास क्या है, ये ग्रुप इसमें एच का और एच का कोई इफेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर ओवरऑल डायपोल मोमेंट देखेंगे ना, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या आएगा, ज्यादा है कंपैरेटिवली इससे, इसमें हमारे पास एक ही ग्रुप आ रहा है, तो डायपोल मोमेंट जिसका ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा बिल्कुल, तो कहेगा मतलब डी हमारा क्या है सही है, तो बी और डी दोनों है वो हमारे करेक्ट होंगे, सेकंड आंसर, सेकंड आंसर आ जाएगा जी सर। और कुछ सर, यहाँ पर जैसे अपने पास बेटा एक कौन है आरसीएन, आरसीएन को अगर अपन देखें आरसी ट्रिपल बॉन्ड एन, यहाँ नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर अवेलेबल है, तो ये जब लॉन पेयर अवेलेबल है तो ये इजीली क्या करेगा, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, तो RCN क्या होगा, वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। तो जब हम इसको RNC के साथ कंपेयर करेंगे, RNC, तो यहां पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है, जब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है तो ये नाइट्रोजन वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, इट मींस ये क्या रहेगा, लेस सॉल्युबल, और यहां पर इसको क्या इंडिकेट किया गया है, मोर सॉल्युबल, तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा किसकी है बेटा, एल्काइल साइनाइड की सॉल्युबिलिटी हमेशा क्या ज्यादा होगी, एल्काइल आइसो साइनाइड से, तो सर कहना चाहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट टू, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास, एनिलीन डज नॉट प्रोड्यूस द सिप बेस, सिप बेस और रिएक्शन विद, तो एनिलीन किसके साथ क्रिया करे, सिप क्षार नहीं बनाता है, अब वो सिप क्षार किसके साथ बनता है, जैसे एल्डिहाइड जो होते हैं वो रिएक्शन करेंगे और वो सिप बेस बनाते हैं, तो यहां पहला क्या दरका हम अमोनिया दरका जी, दूसरा दरका एसिटिल क्लोराइड जी, फिर दरका है बेंजल्डिहाइड और फिर दरका बोथ वन एंड टू, तो हमारे पास कौन सा मतलब सिप बेस बनाएगा, तो बनाएगा एल्डिहाइड, ये बना लेगा एल्डिहाइड बना लेगा, और अमोनिया जो है वो नहीं बनाएगा, नहीं बना, और ना एसिटिल क्लोराइड बनाएगा, नहीं बना पाएगा, तो फोर्थ आंसर है। और सर आप सिप बेस के बारे में और बच्चों को बता दीजिए, अपने पास C6H5CHO कोई भी एल्डिहाइड, अगर ये प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट करता है, प्राइमरी अमाइन RnH2, इन दोनों की जो रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है सर, उस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनता है, इमिन, और इसी प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है बेटा, शिफ्ट बेस कहा जाता है। तो क्वेश्चन है एनिलीन डज नॉट प्रोड्यूस, डज नॉट, तो अमोनिया के साथ भी शिफ्ट बेस का प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, और एसिटाइल क्लोराइड के साथ भी शिफ्ट बेस का प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ आंसर आएगा। नेक्स्ट, कौन सा डायज़ो युग्मन विक्रिया प्रति ज्यादा क्रियाशील है, बिल्कुल डायज़ो युग्मन एज़ो कपलिंग रिएक्शन है, जो एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है, ईएसआर, और ईएसआर में हम कहते हैं कि रिएक्टिविटी किसके अकॉर्डिंग देखते हैं,
जो डोनेटिंग ग्रुप आता है जिसमें हमारे को प्लस एम वाले ग्रुप है, प्लस आर वाले या प्लस एम वाले, और ये हमारे पास एन और तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया। अब यहाँ ये डीएक्टिवेटिंग है, अब इसमें भी एक्टिवेटिंग है लेकिन यहाँ क्लोरीन के कारण ये डीएक्टिवेटिंग हो गया। फिर दूसरा हमारे पास ये OH और यहाँ OH आ रहा है लेकिन यहाँ OCH3 का प्लस एम इफेक्ट आता है, CH3 का प्लस एच इफेक्ट आता है। बिल्कुल, तो कहने का मतलब इसमें स्ट्रॉन्ग डोनर ग्रुप इसमें जुड़े हैं। तो सबसे ज्यादा जो आपको पूछा रिएक्टिव कौन सा होगा, थर्ड हो जाएगा। बिल्कुल सही। और सर आपके कोई कमेंट? बेटा डाई एजो युग्मन अभिक्रिया जो है उसमें अपने को क्या करना है, एक न्यूक्लियोफाइल लेना है और न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के लिए इस बेंजीन रिंग पर क्या अटैच होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप अटैच होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप आपके पास स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये न्यूक्लियोफाइल है, प्लस डाई एजोनियम सॉल्ट ये यहां पर इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट करता है। तो इस रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस तरह से रहेगा। इलेक्ट्रॉन डोनर ये डाई एजो कपलिंग रिएक्शन, ये सर यही एजो डाई होता है क्या? एजो डाई जो होता है एजो डाई, राइट। और ये कलर्ड होता है सर, अलग अलग कलर। तो सर इसका कलर का क्या कारण होता है? ये एक ग्रुप है, राइट। मतलब कहने का मतलब सर कहने के ग्रुप ये ग्रुप आना चाहिए। और दूसरा इसमें सर एक्सटेंडेड कंजुगेशन भी है। बिल्कुल, लेंथ ऑफ कंजुगेशन ज्यादा होगी, उसके कारण ये कंपाउंड क्या होता है, कलरफुल होता है। बिल्कुल सही जी सर। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट यील्ड एन एमीन, मतलब एमीन किस में नहीं बनेगा ये पूछ रहा है। तो C2H5Br+NH3, तो ये हमारे पास हो गया एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इसमें हमारे पास प्रोडक्ट C2H5NH2 बन जाएगा। बिल्कुल सही, क्योंकि Br तो हमारा लिविंग ग्रुप हो गया और ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये लिविंग ग्रुप रिलीज होगा और ये यहाँ पर अटैक कर लेंगे। बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है NaE2OH आ रहा है, तो ये इथाइल जो एथिल अल्कोहल है ना, ये सोडियम साथ में क्या काम करेगा, एक हाइड्रोजन रिलीज करने का काम करेगा। तो ये हाइड्रोजन रिलीजिंग ग्रुप हो गया एक तरह से, यानी रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। और इसका सर एक पर्टिकुलर नाम भी होता है, मेंडिस क्या होता है? सो अपन लेते हैं जब अपन RCN एल्काइल साइनाइड का रिडक्शन जब आप इनके साथ यूज करते हैं तो उसको मेंडिस रिडक्शन बोला जाता है। तो अब ये जो ग्रुप आ रहा है ये इसमें भी कन्वर्ट हो जाएगा सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये यहां पर भी हमारे पास CH3CH2NH2 इसमें भी एमीन बन जाएगा। अच्छा, अब CH3CN में ले तो इसका ये हाइड्रोलिस कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, RCL में एमाइड हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहा। और जनरली जैसे कुछ भी नहीं लिखा उसका मीनिंग कंप्लीट ही होता है, तो हम ये ले लेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास फिर वापस लिथियम एल्यूमिनियम फिर रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, तो ये भी रिडक्शन करेगा। तो रिडक्शन में हमारे पास यहां पे प्रोडक्ट CH3CH2NH2। तो हमारे पास ये पूछा कि किस में एमीन नहीं बन रहा, तो थर्ड हमारा आंसर होगा। बिल्कुल सही है, थर्ड आपके पास आंसर है। एक्सीलेंट। CH3CONH2Br2 ये दे दिया मेरे को, और ये पूछ रहा है ए और बी यहां पर क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं, ए और बी रेस्पेक्टिवली। ए और बी आपका आइडेंटिटी, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एमाइड लेते हैं, और एमाइड में Br2+KOH ये एक नेम रिएक्शन है, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज हो जाते हैं, डिक्रीज आपका जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें वो बनेगा एक कम कार्बन का एमीन। बिल्कुल सही, राइट। तो ये प्रोडक्ट आपके पास है ए, ये आपके पास रहा CH3NH2 मिथाइल अमाइन। अब मिथाइल अमाइन यहां पर भी है, मिथाइल अमाइन यहां पर भी है, यहां नहीं है, तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता। अब अपने पास ये दो ऑप्शन है, इनमें से कोई एक आंसर है या नहीं है वो अपने को नेक्स्ट रिएक्शन से स्टार्ट होगी। अब इसमें अगर हम क्या करें, CHCl3 और KOH ऐड करेंगे, तो ये भी एक नेम रिएक्शन है, काफी फेमस नेम रिएक्शन है, कौन सी, कार्बाइल अमाइन टेस्ट, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, आइसो साइनाइड गैस, आइसो साइनाइड टेस्ट हो जाएगा ये। तो इसमें प्रोडक्ट बनेगा RNC,
आरएनसी में एक स्पेसिफिक स्मेल होती है जो इस रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। यही रिएक्शन है जो प्राइमरी अमाइन को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है और क्लोरोफॉर्म को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है। तो ये आपके पास हो जाएगा प्रोडक्ट बी। और इसका जब हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे इन एसिडिक मीडियम। आइसोसाइनाइड का जब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो प्लस फॉर्मिक एसिड। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चेक करेंगे, आपने तो ए और बी तक पूछा, ए और बी तक पूछा फर्स्ट ही हुआ, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट। अच्छा, इसमें अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि इन दोनों के रिएक्शन से हमारे पास 11 अल्फा 11 बोल दो या अल्फा अल्फा एलिमिनेशन होता है, जिसमें CCl2 डाइक्लोरोकार्बन मात्रा जनरेट होती है। बिल्कुल सही, ये हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, ये इस पर अटैक कर लेता है और HCl रिलीज होकर के ये प्रोडक्ट आपका। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सर। चलिए सर नेक्स्ट, बार्कन मुलिकन टेस्ट। अब ये क्या, जैसे लंकन वाला क्वेश्चन है सर, है ना, क्योंकि क्वालिटेटिव एनालिसिस वगैरह में जो अपने पास टेस्ट आते हैं तो बार्कन मुलिकन जो टेस्ट है स्पेशली हमारे पास क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप होते हैं ना, नाइट्रो ग्रुप शो करते हैं। तो ये अपने को क्या करना है, ये लर्न करना है। इसमें आपके पास जो नाइट्रो ग्रुप है, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, कंपाउंड पे मैटर नहीं करता ही, इसका रिडक्शन करवा दें न्यूट्रल मीडियम में, रिडक्शन करवा। न्यूट्रल मीडियम में रिडक्शन करवाने से NHOH बनता है। राइट, अब ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है। अब रिएक्ट करने के बाद अगर हमारे पास सिल्वर का प्रेसिपिटेट बनता है तब तो हम कहेंगे हमें क्या प्रोवाइड करवा रखा है, नाइट्रो ग्रुप प्रोवाइड करवा रखा है। और अगर ये प्रेसिपिटेट नहीं बनता है तो हमारे पास नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो एक्चुअली में मुलिकन बार्कर टेस्ट कौन से ग्रुप को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, नाइट्रो ग्रुप को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही सर। C4H11N जो है एक हिज़बर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करने पर बना उत्पाद NH में एमिले है, तो एमिन क्या होगा। बिल्कुल, अब हिज़बर्ग रिएजेंट से हम क्या कर सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमिन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो तीनों को हम आइसोलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास 1 डिग्री एमिन जो होते हैं वो हिज़बर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करेंगे। हिज़बर्ग रिएजेंट का मतलब क्या होता है सर, सबसे पहले बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसको अपन क्या कहते हैं, हिज़बर्ग रिएजेंट कहते हैं। तो ये हमारे पास 1 डिग्री एमिन से 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों से रिएक्शन कर लेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, 2 डिग्री जो एमिन बनेगा वो क्या होगा, आगे जाकर के बेस में सोल्यूबल होगा कि नहीं होगा वो अपने को देखना पड़ेगा। सोल्ट बनेगा तो सोल्यूबल होगा और सोल्ट नहीं बनेगा तो इनसोल्यूबल हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो 1 डिग्री एमिन में क्या बनेगा सर, 1 डिग्री अमाइन प्लस C6H5 हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये इस पर अटैक करेगा और यहां से HCl निकल जाएगा, एंजाइम हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर रहेगा C6H5 डबल बॉन्ड NH। यहां पर जो ये हाइड्रोजन है ये एसिडिक नेचर का है, क्योंकि इसके जस्ट पास में क्या है, S डबल बॉन्ड O स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, एसिडिक नेचर का है, तो ये इमीडिएट क्या होगा, NaOH या KOH में डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्ट बनेगा वो डिसॉल्वेबल हो जाएगा। अब यहां पर अगर अपन क्या लें, 2 डिग्री अमाइन लें, और इसको हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएं, तो हमें फिर C6H5SO2NR2 ये जो कंपाउंड है, अब सर इसमें एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं होगा। हाँ, एसिडिक हाइड्रोजन आ गया NH में, वो डिसॉल्व नहीं होगा। हमारा क्वेश्चन यही है, प्रोडक्ट फॉर्मड व्हेन दिस रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट व्हिच इज इनसॉल्युबल इन NaOH, तो ये जो प्रोडक्ट बना है ये इनसॉल्युबल है, और इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमने यूज किसको किया बेटा, सबसे पहले हम डाइजोटेशन करेंगे और फिर हमारा H3PO2 है ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, रिडक्शन, और रिडक्शन के बाद में फ्यूचर प्रोडक्ट क्या बनेगा, पी।
तो सबसे पहले 3-4-5 ट्राइब्रोमाइलिन की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एनिलिन, ठीक है सर? बिल्कुल। और अब है 3 नंबर पोजीशन पर, जैसे ये 1 है, ये 2 और ये 3, और ये है 4 और ये है 5। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम जोड़ देते हैं ब्रोमीन। ब्रोमीन अब इसका हमारा को करा है डाइजोटेशन, तो डायजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। बिल्कुल सही। तो डायजोनियम सॉल्ट से हमारे पास इस तरह का ग्रुप आ जाएगा यहाँ पर N2+ और X-, और ये हमारा ब्रोमीन वैसे ही रख देंगे। बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट हमारे पास H3PO2 दे रखा है, तो ये हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो रिड्यूसिंग एजेंट होने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, और रिडक्शन होते ही डायरेक्ट हमारे पास प्रोडक्ट जो आएगा वो ब्रोमीन ही रह जाएगा खाली। और यहाँ पर हमारे रिडक्शन से हाइड्रोजन आ जाएगा और N2 गुड लिविंग ग्रुप रिलीज हो जाएगा, साथ में HX वगैरह साइड प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो ये बन गया सर 1-2-3 ट्राइब्रोमबेंजीन। बिल्कुल सही है। तो सेकंड आंसर इज करेक्ट। और सर आपका भी कोई नहीं? ठीक है। नेक्स्ट Which of following test is suitable to differentiate between aniline and the benzyl amine? मतलब benzyl amine और aniline में differentiate करवाना सर। बिल्कुल सही है। तो अपने हमारे पास एक aniline है C6H5NH2 और दूसरा हमारे पास है benzyl amine C6H5CH2NH2। इन दोनों में हमें differentiate करना है। ये क्वेश्चन है। तो निम्न में से कौन सा परीक्षण एनिलीन और बेंजिल एमीन के मध्य विभेद के लिए उपयुक्त है? अब अपन इसमें देखें, फर्स्ट ऑप्शन, एनिलीन गिव्स डाई टेस्ट ऑन डाई एजोटाइजेशन एंड रिएक्शन विद बीटा नेफ्थोर, व्हाइल बेंजाइल अमाइन गिव्स अल्कोहल। बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि एनिलीन डाई टेस्ट देता है, डाइजोटेशन एनिलीन ही देता है। एनिलीन डबल डिग्री एमीन, क्योंकि एनिलीन एरोमेटिक है और एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट 0-5 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर पर स्टेबल होता है, और वो यहां पर स्टेबल नहीं होता तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ये मतलब सर ये तो एरोमेटिक है, मतलब ये एलिफेटिक। हां राइट। तो इसका आंसर क्या रहेगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट आंसर है। और बाकी देखो, बाकी ऑप्शन भी आप पढ़ सकते हो। बेंजील एमीन डाइजोटेशन के बाद बीटा नेफ्थोर के साथ हरा रंजक देता है, तो यहां पर रिएक्शन नहीं पाएगी, ये रिएक्शन यहां रुक जाएगी। फिर एनिलीन गिव द कार्बिल एमीन रिएक्शन व्हाइल द बेंजील एमीन डज नॉट, तो एनिलीन जो होती है वो 1 डिग्री एमीन कार्बिल एमीन देगा, और ये पूछ रहा बेंजील एमीन, तो दोनों ही दे देंगे, दोनों दे देंगे, तो एलिफेटिक और एरोमेटिक हो, तो ये इससे डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो ये भी आंसर नहीं रहेगा। हां ये भी नहीं आंसर नहीं रहेगा। और बेंजील एमीन गिव कार्बिल एमीन रिएक्शन व्हाइल द एनिलीन डज नॉट, तो ये हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं, दोनों देंगे फिक्स। तो आप अपना आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट आंसर, फर्स्ट आंसर। Coupling reaction of diazonium chloride with the aniline are carried out in the. अब ये पूछ रहा है aniline से diazonium salt की reaction पूछ रहा है और medium पूछ रहा है, which one से medium reaction करवा रहा है। तो हम यहाँ पर जैसे strong acidic medium लेंगे, strong basic लेंगे, ये mild, तो सर इसमें mild acidic medium suitable होता है, mild acidic medium suitable होता है, क्योंकि इसका particular pH भी होता है, मतलब जैसे कोई भी reaction है, diazotation है ना, तो particular pH के ऊपर क्या होता है, suitable होती है। अब जैसे मान लो हमारे पास क्या आया इसमें, ये aniline लिया, अब एनिलीन ले लिया और साथ में हमारे पास रिएक्शन किसके साथ आई है, सॉरी डायजोनियम साल्ट की कपलिंग रिएक्शन है, तो हम डायजोटेशन करवा लेंगे पहले, तो डायजोटेशन HNO2 की प्रेजेंस में HX ले लेंगे और ये बन जाएगा हमारा N2X-, ये डायजोनियम हमने बना लिया। अब ये पूछ रहा है कि हमारे पास कंडीशन कौन सी है, अब जैसे सर हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम ले लेंगे, तो उस केस में तो ये यहाँ पर एनिलीनियम का वो बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा, और वो फिर डीएक्टिवेट करने लग जाएगा, बिल्कुल सही। तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम फेवरेबल नहीं है, और यदि हम बहुत ज्यादा लो लेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही है। तो इसलिए हमारे पास माइल्ड एसिडिक मीडियम जो है वो ज्यादा सुटेबल है, पर्टिकुलर इनकी पीएच भी होती है, जैसे पीएच 4-5 के आसपास इसकी सुटेबल होती है हमारे पास, क्योंकि न तो ज्यादा एसिडिक होना चाहिए न ज्यादा बेसिक होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। हाँ सर, 14 नंबर सर। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन वीकली एसिडिक मीडियम डज नॉट गिव, बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन आप देखेंगे इसमें, वीक एसिडिक मीडियम अगर हम यूज करते हैं तो
उस केस में हमें यहां पर एनिलीन मिलेगा, इलेक्ट्रो वीक एसिडिक में मिलेगा, वीक एसिडिक मीडियम में एनिलीन मिल जाएगा। अगर हम यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम यूज करेंगे और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करें, तो इस रिडक्शन से सबसे पहले NHOs बन जाता है और इसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा, हाइड्रोक्सीलेबिन बनके पैरा एमिनो फिनोल, पैरा एमिनो फिनोल बन जाएगा। तो क्वेश्चन है, आपने पूछा है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन वीकली एसिडिक मीडियम डज नॉट गिव। तो वीकली एसिडिक मीडियम में बेटा एनिलीन तो बन रहा है, लेकिन वीकली एसिडिक मीडियम में एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन नहीं बन रहा है, नाइट्रोसोबेंजीन भी नहीं बन रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही सर। राइट सर, नेक्स्ट। अभिक्रियाओं के क्रम में एसिटिक अम्ल उत्पाद डी बनाता है, इन ए सेट ऑफ रिएक्शंस एसिटिक एसिड यील्डेड ए प्रोडक्ट डी। तो इसके मतलब फाइनल प्रोडक्ट डी पूछ रहा सर अपने को, बिल्कुल सही। तो पहला जो सर CH3COHSOCl2 आ रहा है, तो ये हमारे पास हो गई सब्स्टिट्यूशन सिलेक्शन हो गई सर, अपन देख लेते हैं इसका नेट CH3COOH प्लस SOCl2 CH3COCl, ये हमारे पास ये ए बन गया सर, प्रोडक्ट ए आ जाएगा। अब बेंजीन के साथ में रिएक्शन हो रही है नेक्स्ट, बिल्कुल बेंजीन आ गई सर, हाँ, और बेंजीन के साथ में हम अटैक करवा सकते हैं, तो ये सर फ्रीडेलकार्ट रिएक्शन हो गया, फ्रीडेलकार्ट एसाइलेशन। तो ये हमारे पास है एनहाइड्रस AlCl3, बिल्कुल सही, ये कैटलिस्ट हो जाएगा, ये सील को हटा देंगे यहाँ से और हटा के लिए इस पर अटैक कर लेगा, तो ये प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, COCH3 एसिटोफिनोल। अब आगे जाकर के हमारे पास एसिटोफिनोल की रिएक्शन हो रही है, मतलब HCN के साथ में करवा रहा है, तो ये सब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, आगे जाके हमारे पास HCN से रिएक्शन कर रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो ये बेंजीन लिंक तो वैसे ही रहेगा हमारे पास, तो यहाँ पर आ जाएगा सर CN और ये हो जाएगा OH और ये है CH3। उसके बाद में हमारे पास हाइड्रोलाइसिस हो रहा है सर, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, तो ये CN कन्वर्ट हो जाएगा हमारा इसमें C डबल OH, तो बेंजीन रिंग हमारे पास आएगी C डबल OH OH और CH3। तो ये आंसर देखो सर, मिसाल OH CO CH3 फर्स्ट हो गया फर्स्ट। तो सीक्वेंस रिएक्शन का क्वेश्चन पूछा सर, अगर स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेगा तो ऑर्गेनिक में वो ज्यादा बेटर कर पाएगा। देखो सर ने बताया कि भी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और एक सीक्वेंस के क्वेश्चन आने भी चाहिए बच्चों, बिल्कुल सही। CH3CN का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो देखो ये बड़ा पॉपुलर, हम कई बार बात कर चुके हैं साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, CH3COOH बनेगा सर, तो मैं इसे CH3CN कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस CH3COOH एसिटिक एसिड बन जाएगा और इसमें से ये OH रिप्लेस हो जाएगा NH4 पॉजिटिव, ये चला जाएगा, ये कंपाउंड अपने पास है ए। अब ए में किसको ऐड किया गया है, PCl5, तो PCl5 ऐड करते हैं इसमें CH3COCl, तो ये कंपाउंड क्या रहा, बी। अब यहां पर तो ये वापस से फ्रीडेलकार्ट रिएक्शन होगी सर, फ्रीडेलकार्ट रिएक्शन हो जाएगी, बिल्कुल सही सर, एनहाइड्रस FCR रिएक्शन, फ्रीडेलकार्ट एसाइलेशन, फ्रीडेलकार्ट, तो अपने पास प्रोडक्ट होगा
COCH3। तो ये सेकंड आंसर है। सेकंड आंसर है। देखो सर ने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया, बताया कि पहले कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, पहला स्टेप आ जाएगा सर, और उसके बाद में हमारे पास OH रिप्लेस होगा, यानी ये हमारे पास NSR हो जाएगी, और फिर हमारे पास फ्रीडल कार्प रिएक्शन भी होगी। इसमें भी सर तीन रिएक्शन, तीन रिएक्शन है। एक अच्छा क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, CH3CO(H+NH3) से A बन रहा है और फिर B बन के और फिर Br2KO से रिएक्शन हो रही है। तो पहला जो स्टेप आ रहा है हमारे पास है CH3COOH-NH3 की रिएक्शन, तो पहले सर एसिड बेस रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। बिल्कुल सही, CH3COOH+NH3 एसिड बेस रिएक्शन से सॉल्ट बन जाएगा, राइट, CH3COOH4 जी सर। फिर इसको हीट करेंगे, बिल्कुल, तो इसको हीट करने से सर आगे इसको ये अपने पास है ए H2 निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा, एमाइड बन जाएगा, एमाइड बन जाएगा, कंपाउंड बी। और आगे वाली जो रिएक्शन है सर ने पहले भी बताई, फेमस रिएक्शन है ब्रोमीमाइड रिएक्शन, डिग्रेडेशन हॉफमैन, डिग्रेडेशन हॉफमैन KOH प्लस Br। तो इसमें एक कम कार्बन का एमीन बनेगा सर, एक कम कार्बन का एमीन बनेगा, एमीन बनेगा, तो ये अपने पास है सी, राइट। और इसमें हमारे पास एसाइल नाइट्रिन इंटरमीडिएट होती है, तो भी इंटरमीडिएट को स्पीशीज को ही पूछ लेगा, तो ये एसाइल नाइट्रिन इंटरमीडिएट स्पीशीज होती है, राइट। तो आंसर क्या रहेगा इसमें, तो ये हमारा आंसर हो गया CH3NH2, सेकंड आंसर, सेकंड आंसर आ गया। ओके सर, नेक्स्ट, फिर वापस हमारे पास फिर सीक्वेंस का क्वेश्चन आ गया, रिएक्शन CH3COOH-NH3 अभी सर ने बताया था, वही वापस सॉल्ट बनेगा, इसको हीट करेंगे तो एमाइड बनेगा, और एमाइड को फिर आगे जाकर फिर मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रोसेस हीट करने तक। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ये वाला तो स्टेप CH3COONH4 पॉजिटिव, यहां पर है CH3CONH2। अब P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करना पड़ेगा अपने को, CH3CN ये आंसर आएगा, तो ये हमारा एसीटोनाइट्राइल हो गया, एसीटोनाइट कॉमन नेम एसीटोनाइट्राइल, या अपन इसको क्या कह सकते हैं, मिथाइल साइनाइड, थर्ड आंसर हो गया। फिर हमारे को वापस सीक्वेंस रिएक्शन का पूछा क्वेश्चन, Identify product of following. तो सर पहले ये CH3 के साथ रिएक्शन करके CR2Cl2, ये एक नेमिंग रिएक्शन, पिटार्ड रिएक्शन, पिटार्ड, बिल्कुल सही। और पहला हमारे पास शुरू में स्टार्टिंग में बनेगा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बनेगा, और फिर वो कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोलिसिस होकर के यहाँ पर बन जाएगा एल्डिहाइड, यानी ये एल्डिहाइड बनाने की रिएक्शन होती है पिटार्ड रिएक्शन। अब देखो सर ने ये बना रहे हैं सर, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं OCRO OHCl2, बाकायदा NCERT की भी रिएक्शन है पिटार्ड रिएक्शन, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स बना है, और कॉम्प्लेक्स का फिर हाइड्रोलिसिस होगा, फिर बी बनेगा सर, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, राइट, CHO आ गया। अब ये CHO ग्रुप होता हमारा सर मेटा डायरेक्टिंग होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो आगे आगे में HNO3 तरीके से नाइट्रेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन, तो ये हमारा ESR हो गया, बिल्कुल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, और इलेक्ट्रोफाइल हो गया हमारा नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन NO2 पॉजिटिव, तो ये हमारा अटैक कर लेगा ऑर्थो पर, सॉरी मेटा, मेटा पोजिशन, ऑर्थो पर नहीं, मेटा डायरेक्ट, मेटा डायरेक्ट, तो ये मेटा पे प्रोडक्ट बना देंगे, तो आंसर थर्ड हो गया, थर्ड आ जाएगा मेटा नाइट्रोबेंजाइलेट। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रहा है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग बेसिसिटी, बेसिसिटी पूछ रहा है, तो देखिए एक होता है हमारे पास, अभी तो सारे एरोमेटिक एमीन दे दी सर, तो एरोमेटिक एमीन में तो हम सीधा डायरेक्ट डोनेटिंग विड्रोविंग ग्रुप देख लेंगे, विड्रोविंग ग्रुप से बेसिसिटी कम हो जाएगी, डोनेटिंग से बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, तो ये इंक्रीजिंग तो गलत हो गया पहला सर, क्योंकि यहाँ पर विड्रोविंग ग्रुप आ रहे हैं इसमें जा ही नहीं रहे। फिर इधर इधर देखें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, NO2 मेटा पर, और ये आ रहा है पैरा पे, तो पैरा पर इफेक्ट सर ज्यादा लगेगा, प्लस मतलब माइनस आर भी लग रहा है और माइनस आई भी लग रहा है, और यहाँ लग रहा है ओनली माइनस आई, तो इसका मतलब ये कम मतलब वैश्विक होगा, तो ये भी गलत हो गया हमारा।
सेकंड ऑर्डर के बारे में यहाँ पर आप देखें सर, इसमें माइनस एम और माइनस आई इफेक्ट यूज हो रहा है, राइट, यहाँ पर है ओनली माइनस आई और इसमें कोई इफेक्ट, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, ये इंफिनिटी ऑर्डर है, बिल्कुल सही, थर्ड करेक्ट है। और ये देखो फिर वापस गलत कर दिया ये, क्योंकि एक इधर भी ड्रॉइंग जोड़ दिया, किधर जोड़ दिया, तो नेक्स्ट Toluene is treated with a mixture of HNO3 and H2SO4. The major product is reduced with SnCl2HCl to give compound A. When A is treated with NaNO2 in HCl at 0 degree Celsius, followed by reaction with CuCn to give compound B. B is reduced with lithium aluminium hydride to give C. What is the most probable structure of C? तो हमें C को identify करना है, तो वन बाय वन हमें रिएक्शन को सीक्वेंसली सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हम इसको आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग कहां से होगी? टोलुइन से स्टार्ट है सर, एक CH3 जोड़ देंगे, ये टोलुइन, फिर नाइट्रेशन मिक्सचर, नाइट्रेशन NO2 पॉजिटिव, नाइट्रेशन करेंगे और पैरा मेजर हो जाएगा, पैरा इसमें मेजर हो जाएगा, पैरा का अटैक करा देंगे, बिल्कुल सही। फिर हमारा आगे क्या है सर? अगला सर रिडक्शन का स्टेप है सर। अब रिडक्शन CH3 का तो सर होगा नहीं, राइट, रिडक्शन किसका होगा? NO2 का, और SnCl2HCl NO2 को रिड्यूस करेगा किसमें? NH2 ग्रुप, NH2 में। तो इसमें नेक्स्ट आगे कर दिया NH2, ये इसमें राइट रिडक्शन, तो हम यहां तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब फिर वापस से डाइजोटेशन हो गया आगे। डाइजोटाइजेशन CH3 का नहीं होगा, इसका होगा NH2 ग्रुप का। N2 आ जाएगा। डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। राइट। डाइजोनियम सॉल्ट हो गया। Followed by reaction with CuCl. अब यहाँ पर ये एक good leaving group है, अगर हम इसके साथ use करेंगे यहाँ CN आ जाएगा, तो CN आ जाएगा, nucleophilic substitution reaction हो जाएगी, तो इसमें अपने यहाँ पर CN attach हो जाएगा, right, CN आ गया, फिर CN का हम आगे कराएंगे वापस reduction से, reduction कराएंगे, तो हमारे पास answer होगा CH2 में convert होगा, ये रहेगा। तो सीक्वेंस एक बार अपन द्वारा देख लेते हैं। टोलुइन इज ट्रीटेड विद मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड H2SO4। टोलुइन को जब आप नाइट्रेशन में यूज करेंगे तो CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। ऑर्थो पैरा में और पैरा पोजीशन आपके लिए सुटेबल है क्योंकि लेस क्राउडेड है, तो पैरा पोजीशन पर NO2 अटैच हो गया। मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट इज रिड्यूस्ड विद SnCl2HCl। रिडक्शन किसका होगा? NO2 का। NO2 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। When A is treated with NaNO2 HCl at 0 degree Celsius, diazotization reaction, तो यहां पर diazotization हो जाएगा। diazotization होने से ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट उसके बाद आपको क्या करना है? CuCn के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने है, तो यहां से रिप्लेस हो जाएगा और इसमें CN अटैच हो जाएगा। और उसके बाद जो अपने पास है वो है B is reduced with lithium aluminium hydride। ये B है और B का जब आप lithium aluminium hydride के साथ रिडक्शन करेंगे तो CN का रिडक्शन होगा। CN का रिडक्शन किसमें हो जाएगा? CH2 NH2 में। तो आंसर क्या रहेगा? सेकंड आंसर, सेकंड आंसर जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इन द गिवन रिएक्शन CH2CONH2 और CH2COC2H5, तो Br2NH दे दिया सर और फिर हीटिंग दे दिया, तो मतलब बेसिक मीडियम में ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा रहा है, तो वही हाफ वन ब्रोमोमेट रिएक्शन। यहाँ पर वापस ये CH3CO ग्रुप है, यहाँ से रिड्यूस होकर NH2 आएगा, मतलब एक कम कार्बन का एमिन। CH2NH2 राइट,
यहाँ पर है CH2 double bond CO C2H5। अब सर इसमें इंट्रामोलिक्युलर रिएक्शन हो जाएगी, ये एक न्यूक्लियोफाइल है राइट, ये यहाँ पर अटैक करेगा और ये लिविंग, हाँ, इस लिविंग ग्रुप को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी इसके अंदर, तो आप देखें यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग है, ये भी रिएक्शन इसके सूटेबल नहीं है। आप यहाँ देखें, आप जब आप इसमें रिएक्शन कंप्लीट करवाएंगे CH2 NH CH2 CO, ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। तो ऐसा प्रोडक्ट अपने पास कहां पर है? थर्ड आंसर। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगी, इंट्रामोलिकुलर स्पीड ज्यादा होती है तो ये फास्ट रिएक्शन होती है। चलिए सीक्वेंस क्वेश्चन फिर वापस। पहले हमारे पास डाइजोटेन क्लोराइड दे दिया, N2Cl डाइजोनियम सॉल्ट है, डाइजोनियम क्लोराइड, इसमें CuCn ऐड करेंगे, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। CN आ जाएगा और फिर इसका रिडक्शन करेंगे तो CH2NH2। बिल्कुल सही है। रिड्यूसिंग एजेंट अगर L लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, LiAlH4 PHCH2NH2, ये हमारे पास हो गया 1 डिग्री रहेंगे सर। बिल्कुल सही। और नेक्स्ट हमारे पास NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करेंगे, तो NaNO2 साथ में सर के यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ कार्बोकेटन बन जाएगा, कार्बोकेटन और फिर वाटर अटैक करके और यहाँ आ जाएगा एल्कोहल आ जाएगा CH2OH, तो यानी बेंजीन एल्कोहल बन गया। तो थर्ड हो गया सर, आर ही कुछ है थर्ड आंसर। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए व्हेन ट्रीटेड विद NaNO2 एंड HCl गिव एन अल्कोहल एंड N2। यहां से अपने को ये क्लियर हो रहा है कि डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन है लेकिन अल्कोहल बन रहा है और नाइट्रोजन गैस रिलीज हो रही है, इसका मतलब यहां पर जो कंपाउंड होगा वो प्राइमरी अमाइन होगा। तो इसमें प्राइमरी अमाइन, आप देखें यहां पर ये टर्शियरी अमाइन है, ये आंसर नहीं हो सकता। ये प्राइमरी अमाइन है मे बी, ये भी प्राइमरी अमाइन है मे बी, ये प्राइमरी अमाइन नहीं है, ये सेकेंडरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है, तो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। हमारा आंसर इन दोनों में से कोई एक हो सकता है यहां तक स्टडी करने से। नेक्स्ट, कंपाउंड ए ऑन वार्मिंग विद CHCl3 एंड कास्टिक पोटास गिव कंपाउंड सी विच ऑन रिडक्शन गिव आइसोप्रोपाइल मिथाइल अमाइन प्रोडक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ ए। तो यहां पर एक छोटी सी हिंट है अपने हमारे पास आइसोप्रोपाइल मिथाइल अमाइन, तो हम पहले इसको ट्राई कर लेते हैं। NaNO2 प्लस HCl, तो यहां पर अल्कोहल बनेगा प्लस नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी। नेक्स्ट, ये कंपाउंड ए, अब इसमें हम यूज करें क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस कास्टिक पोटास KOH, तो ये कार्बाइल अमाइन टेस्ट हो गया। कार्बाइल अमाइन टेस्ट अगर हम कंप्लीट करते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है, और इस आइसोसाइनाइड का अपने हमें क्या करना है, रिडक्शन करना है। इसका रिडक्शन अगर अपन करेंगे NHCH3 प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, आइसोप्रोपाइल मिथाइल अमाइन
मिथाइल अमाइन, तो थर्ड आंसर आंसर ये आएगा सर। विच ऑफ फॉलोइंग शॉर्टन मोमन रिएक्शन, शॉर्टन मोमन रिएक्शन के लिए सर हमारे को एक स्पेसिफिक रिएजेंट चाहिएगा, वो बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बेंजोइल क्लोराइड के साथ में एक्टिव नाइट्रोजन वाले कंपाउंड रिएक्शन करेंगे, जैसे फिनोल करेगा, एल्कोल करेगा, 1 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन है, ये करेंगे रिएक्शन। तो शॉर्टन मोमन रिएक्शन के लिए देखिए, अब इसमें तो ये सर गलत हो गया, रिएजेंट ही नहीं हमारे पास, और यहाँ पर भी ये भी गलत हो गया, इसमें भी रिएजेंट नहीं है, और यहाँ देखिए ये भी रिएजेंट नहीं आ रहा है, तो रिएजेंट हमारे पास इसमें आ रहा है शॉर्टन मोमन रिएक्शन। तो ये शॉर्टन मोमन हमारा कैसा एग्जाम्पल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्यों सर? हाँ, क्योंकि हमारे पास 1 डिग्री एमीन है, वो शो करेगा, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप हमारे पास है। बिल्कुल सही, और ये न्यूक्लियर फेनोटाइप कर ले। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो ये फोर्थ आंसर करेक्ट। ठीक है, फाइंड आउट फाइनल प्रोडक्ट, ये इस पर अटैक करेगा, रिएक्शन कैसी हो जाएगी? SN2 रिएक्शन हो जाएगी। तो हमारे जो प्रोडक्ट होगा यहां पर ये प्रोडक्ट रहेगा, अब इसमें मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड ऐड करेंगे, तो एक्चुअली रिएक्शन किसके साथ हो रही है? सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ, राइट सर? राइट। तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे, तो सिल्वर इस आयोडीन को रिमूव करेगा यहां से, और प्रेसिपिटेट बन जाएगा सिल्वर आयोडाइड। अब हमें इसको हीट करना है, हीट करने पर एक एलिमिनेशन रिएक्शन होती है सर यहाँ पर, एलिमिनेशन रिएक्शन। ये एन पॉजिटिव लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि ये अल्फा है और ये यहाँ पर बीटा है, तो बीटा हाइड्रोजन निकाल ले, बीटा ये OH नेगेटिव बेस है, ये बेस यहाँ से बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और एन पॉजिटिव लिविंग ग्रुप है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा एल्किन है, यहाँ पर ये बन जाए, तो ये आंसर आ जाए एल्किन बन जाए। बिल्कुल सही, ठीक सर। बेंजीन बन रहा है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन, रिडक्शन के लिए हमारे पास देखो ये एनसीईआरटी में भी सारे रिड्यूसिंग एजेंट दे रखे हैं, तो ये हमारे पास एल्कोल है, वो कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में, 2H रिलीज कर देता है, H3PO2 जो है वो H3PO3 में कन्वर्ट हो जाता है, 2H रिलीज कर देता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, एक अपना क्वेश्चन आया भी था पहले सर, और SNCl2 NaOH है, वो भी हमारा SNCl4 में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये दो हाइड्रोजन रिलीज कर देता है, तो हमारे पास ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे। बिल्कुल सही, फोर्थ आंसर इज करेक्ट, तो रिडक्शन का बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। बिल्कुल सही, NBS KOBR और आपको इसमें प्रोडक्ट चेक करना है, तो NBS क्या होता है सर? N ब्रोमो सक्सिनेमाइड, राइट सर ने बोला, N ब्रोमो सक्सिनेमाइड होता है, रिड्यूस, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, NBS है, N-bromo succinylamide। अब यहां पर KOBR, KOBR, KOH plus BR, तो यहां पर हमारे पास OH negative एक न्यूक्लियोफाइल है, ये इस पर अटैक करेगा और यहां से इसको रिमूव कर देगा। N negative BR, बिल्कुल राइट। अब इसमें एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, NHBR। अब यहां पर हम डायरेक्ट कौन सी रिएक्शन कर सकते हैं? हॉफमैन डिग्रेडेशन, हॉफमैन डिग्रेडेशन हो गई, डिग्रेडेशन, तो इसमें वो एसाइल मतलब इंटरमीडिएट बनके रिअरेंजमेंट होके बिल्कुल सही डायरेक्ट NH2 में कन्वर्ट, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये सीधा सीधा डायरेक्ट NH2 में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास? राइट, NH2 सेकंड आंसर आ जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, कौन सी अभिक्रिया ऐसी है जो एमीन के निर्माण में अपन काम में ले सकते हैं?
हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, ये रिएक्शन एक्चुअल में एमीन की फॉर्मेशन में यूज नहीं होती, एमीन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, डिफरेंशिएशन में यूज होती है, तो प्राइमरी एमाइन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकती है, तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता इसमें। नेक्स्ट, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन 1 डिग्री एमीन देते हैं खाली, हां 1 डिग्री अमाइन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, प्रिपरेशन नहीं कर रहा। गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन, ये प्राइमरी अमाइन को बनाने में यूज करते हैं, और इसमें भी कौन सी प्राइमरी अमाइन यूज करते हैं, एरोमेटिक, 1 डिग्री में भी एरोमेटिक अमाइन अपन इसमें यूज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बाकी अपन एलिफैटिक अमाइन, एलिफैटिक अमीन बना सकते हैं और प्योर बनता है, गुड यील्ड भी बनता है। बिल्कुल सही, तो आंसर क्या रहेगा इसमें, थर्ड आंसर आएगा। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन कैन बी सेपरेटेड बाय द फॉलोइंग। अब ये जो सेपरेशन है, अपने अभी सर ने पहले वाले में बताया था, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल है, हिसबर्ग रिएजेंट है, ये सारे सेपरेशन मेथड होते हैं, और एक हम एमीन को बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर भी सेपरेट कर लेते हैं। जैसे देखो, एक पहला मेथड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, तो ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर होता है, जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी है, तीनों का बॉइलिंग पॉइंट अगर डिफरेंट होता है, और तीनों को हम बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर सेपरेट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फिर हमारे पास आता है NaNO2+HCl, ये डाइजोटेशन है, तो डाइजोटेशन में भी हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों का अलग अलग आता है। जैसे 1 डिग्री में तो हमारे पास डाइजोटेन सॉल्ट बन जाता है, एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, फिर 2 डिग्री में ऑयली येलो ऑयली लिक्विड बनता है, और टर्शियरी में रिएक्शन ही नहीं होती, टर्शियरी सॉल्ट बन जाता है, ना तो तीनों डिफरेंशिएट हो जाती है करने में ये। और हिसबर्ग रिएजेंट जो होता है, हमने पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन आया था, जिसमें हमारे पास एक बनता है पहले एसिड वाला, फिर वो NaOH में डिजोल्व हो जाता है, और टर्शियरी एमीन रिएक्शन नहीं कर पाता, तो इसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। सेलेक्टिव क्रिस्टलाइजेशन, ये हमारे मेल्टिंग पॉइंट पे बेस होती है, और ये हमारे लिक्विड होते हैं, और लिक्विड होने का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड जो होता है ना, परभाजी आश्रम, वो तो सुटेबल होता है, लेकिन क्रिस्टलीकरण सुटेबल नहीं होता, तो इससे हम सेपरेट नहीं कर सकते। आंसर क्या रहेगा, फोर्थ रहेगा, क्यों सर? बिल्कुल सर। और सर कोई इसमें नहीं, बिल्कुल सही है। तो देखिए, अभी हमने ये सारे मेथड देखे, और अब हमने देखो NCERT के अकॉर्डिंग पूरा पूरा कवर किया, और सारा सारा हमने एमीन तक कवर कर दिया। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, जो बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, और नेक्स्ट इसमें जो आप NCERT को प्रॉपर इन चैप्टरों में प्रॉपर फॉलो करें, ये जो चारों तीन चैप्टर बचे, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, इनमें NCERT से मतलब बाहर कुछ पूछा भी नहीं जाता, नहीं पूछा जाता इन चैप्टर में, जनरली पूरे क्वेश्चन जो है NCERT बेस्ड ही रहते हैं, तो NCERT पर प्रॉपर फोकस करना चाहिए, उनमें जो भी क्वेश्चन हैं उनको प्रॉपर सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, ओके, थैंक यू, जय सी एन सी।